तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी में सपोर्ट में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपना मॉनिटर को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इस मॉनिटर से आप अपने किसी भी कंटेंट को दूसरे मॉनिटर पे इस तरह से ऐसे, यानी कि आपका पूरा ये मॉनिटर सिर्फ एक ही मॉनिटर कहलाएगा, यानी कि आप इस तरह से पूरे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इतने बड़े मॉनिटर देख सकते हैं, आपकी यहाँ से मेरा माउस, इस माउस को आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा माउस इस एरिया में आ चुका है। अब मेरा इस मॉनिटर से माउस इस जगह जा चुका है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ ला रहा हूँ और इसको एक्सटेंड करके यहाँ जा रहा हूँ, यानी कि ये एक्सटेंडेड है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मॉनिटर को मैंने एक्सटेंड किया हुआ, यानी जब मैं अगर यहाँ से कुछ वीडियो चलाता हूँ तो मुझे चाहिए कि अगर यहाँ पर वीडियो चले और यहाँ पर मेरा ये स्क्रीन रहे, तो इस तरह से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, यानी डबल डिस्प्ले। और यहाँ से मैं कोई भी वीडियो चलाता हूँ अगर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने प्ले किया और ये यहाँ पे इस स्क्रीन पे चल रहा है। तो कैसे इस तरह से मॉनिटर को एक्सटेंड करते हैं वो सीखेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मॉनिटर को एक्सटेंड करने के लिए इस तरह का आपको एक HDMI केबल की ज़रूरत होगी। इस केबल को आपको अपने लैपटॉप में, अगर आपके पास दो लैपटॉप है तो दो लैपटॉप में आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, या अगर आपके पास एक मॉनिटर है तो उसको उस एक मॉनिटर में कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो आपके बैक के टीवी में भी आपका इस तरह का पोर्ट होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये HDMI पोर्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको एक इंसर्ट कर देना है और एक आपको अपने लैपटॉप के इस वाले में पोर्ट में आपको इंसर्ट कर देना है। ये जो पोर्ट दिख रहा है ये HDMI का पोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। तो इस तरह से आपको एक पोर्ट में टीवी में और एक अपने कंप्यूटर पे इस केबल को आपको इंसर्ट कर देना है, दोनों एक एक साइड। चलिए इसको हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे HDMI केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ से आप इस केबल को देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है अब। और ये पावर इसका है, पावर केबल है, और ये इसका HDMI, ये इसका HDMI केबल है, और ये यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पे लैपटॉप पे मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए चलते हैं, दोनों को, अपने लैपटॉप को भी ऑन कर लेते हैं और अपने टीवी को भी ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप ऑन हो चुका है। अब मैं करने जा रहा हूँ अपने टीवी को स्विच ऑन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीवी मैं यहाँ पे स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप टीवी को ऑन करेंगे यहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिक देख सकते हैं अब मेरा ये कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे कि क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका है इसलिए मेरा एक बार में हो चुका कनेक्ट। आपको ये एक्सटेंडेड वर्जन में शुरू में नहीं रहेगा, और ये रहेगा शुरू में। ये देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे लिखा हुआ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं कि ये PC स्क्रीन डुप्लीकेट एक्सटेंड सेकेंड स्क्रीन इस तरह का ऑप्शन आपको सामने पर दिखेगा। अगर आप डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास दोनों सेम ही स्क्रीन होगा, यानी कि आप इससे इसमें नहीं जा सकते हैं, यानी इसमें आप जो कर रहे हैं वही इसमें कर रहे हैं, यानी कि ये इस स्क्रीन का, यानी इस स्क्रीन का, लैपटॉप की स्क्रीन का ये डुप्लीकेट बन गया। और ये एक्सटेंडेड जो है, एक्सटेंडेड में मतलब कि ये पूरा एक्सटेंड हो गया, पूरा एक। यहाँ से आप जाइए इस वाले में और यहाँ से आप आइए इस वाले में, ये एक्सटेंडेड हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर माय कंप्यूटर यहाँ पर खोलता हूँ तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके इधर ले आया, यानी कि पूरा एक मॉनिटर कहलाएगा। ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ से इसको यहाँ लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से इसमें लेकर आ रहा हूँ, तो इस तरह से ये पूरा एक मॉनिटर कहलाएगा और एक्सटेंडेड वर्जन। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह से, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास तीन तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। एक्सटेंड सेकेंड PC भी है, तो सब में आप देख ले करके PC ओनली करेंगे तो यानी आपका सिर्फ PC में चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेरा PC में भी चल रहा है और यहाँ स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, नो सिग्नल आ रहा है। और इसी तरह से अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पर दोनों PC में सेम हो गया, ये इधर ये डुप्लीकेट हो गया एक PC का सेम टू सेम वर्ज़न, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं
देखिए अगर हम एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं तो क्या होने वाला है, देख सकते हैं कि अब मेरा पीसी इधर चला गया है। और यहाँ पे अगर हम सेकंड स्क्रीन करेंगे, यानी आपका पहला स्क्रीन, ये पीसी वाला स्क्रीन बंद हो चुका है, सिर्फ ये स्क्रीन मेरा चल रहा है, यानी कि ओनली सेकंड स्क्रीन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको, किस तरह से आपको ज़रूरत है, फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन या एक्सटेंडेड स्क्रीन, जैसे आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप अपने स्क्रीन को एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक्सटेंड की ज़रूरत है तो इस तरह से, अगर बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट करना है, मान लीजिए कि आपको इसको ज़रूरत क्यों है वो समझना चाहते हैं आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंडेड स्क्रीन की ज़रूरत को समझने के लिए। मान लीजिए मैं पावर पॉइंट का एक प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्लिक किया है, यहाँ मेरा पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट खुल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मैं कितने आसानी से अपने प्रोजेक्ट सारे को देख सकता हूँ। यहाँ पर आके मैंने इस प्रोजेक्ट को सारा क्लिक किया और मैं चेक कर रहा हूँ अपना, मैंने दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ दूसरा प्रोजेक्ट ऑन हुआ है। यहाँ का मैं इसको एडिट उडिट जो भी करना है यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ये बड़ा सा स्क्रीन हो गया। यहाँ पे फिर मैं तीसरा प्रोजेक्ट खोलना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ पे तीसरा प्रोजेक्ट खुल चुका है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरा वीडियो खुले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगर चाह रहा हूँ एक वीडियो खोलना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ वीडियो रखा हूँ, तो कोई सा भी एक वीडियो आप प्ले करके यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ वीडियो प्ले हो रहा है। और कुछ भी यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि आप ये यहाँ पे सारा कुछ प्ले हो रहा है, आपका ये मॉनिटर बिल्कुल आज़ाद है। तो इस तरह से आप अपने पीसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। गुड बाय, जय हिंद।